टीवी पर पहली दफा दिखाने जा रहे हैं लेडी डॉन के बारे में, जिसका खौफ कई राज्यों में रहा, जिसके पास देश के बड़े बड़े गैंगस्टर के राज मौजूद हैं। और एक ऐसी लेडी डॉन जो कभी आनंद पाल की शागिर्द रही, वो कभी लॉरेंस गैंग में अपनी धाक मनवाती रही। तो टीवी पर पहली बार लेडी डॉन मैडम मिंच को इस वक्त आप सुनेंगे, क्योंकि जब ये गैंग वॉर हो रहा है जिसमें राजू ठेहट की मौत हो चुकी है, तो पुलिस को या फिर जो अपराध की दुनिया पे नजर रखते हैं उन सबको ख्याल आया है लेडी मिंच का। और यही वजह है कि एक बार फिर से हम लेडी मिंच के साथ आपके सामने हैं, और लेडी मिंच ने क्या क्या राज खोले हैं वो सिलसिलावार तरीके से आपको सुनाएंगे। तो न्यूज 18 इंडिया पर लेडी डॉन आज लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गैंगस्टर आनंद पाल के कई बड़े बड़े राज यहां पर खोलने जा रही है। और सीकर में हुई गैंग वॉर को लेकर भी लेडी डॉन कई राज खोलने जा रही है। टीवी पर पहली बार आप देखने जा रहे हैं लेडी डॉन मैडम मिंच को। सारी किडनैपिंग आपने कर रखी है। एलिगेशन डिपार्टमेंट ने मेरी सुनी नहीं, एक ही चीज करूंगी, अपना अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का बचाव करूंगी। क्या बनना चाह रही थी अनुराधा चौधरी और कहां पहुंच गई? एक एंटरप्रेनर, और जहां पहुंच गई उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का, हाँ मैं ये भी कहती हूँ कि सारा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है या फिर केयरलेस नहीं है, लेकिन ये मेरा बैड लक था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। डिपार्टमेंट ने मेरी सुनी नहीं, डिपार्टमेंट ने भी नहीं सुनी, और सीएमओ ऑफिस से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई जब तक आया काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुराधा ये बताइए, आपकी आपने बताया कि जुर्म की दुनिया में आप क्यों आए, कितने मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर देश भर के कौन कौन से राज्यों में? 13-14 मुकदमे हैं इस टाइम में मेरे पे, सिर्फ दिल्ली और राजस्थान में, और कहीं नहीं है। और ये किस तरह के मुकदमे जो आप लड़ रही हैं कानूनी तौर पर? ये किडनैपिंग के हैं और वेपन के हैं। हमने आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च करा, ये बताया जाता है कि आप किडनैपिंग, बहुत सारी किडनैपिंग आपने कर रखी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है। एलिगेशन है जी। अभी अनुराधा को धमकियां मिलती हैं क्योंकि आप पे ठप्पा लगा हुआ लेडी डॉन का, आप जाहिर सी बात है बहुत सारी दुश्मनी आपने भी पाल रखी होगी, धमकियां मिलती हैं कभी आपको, डर लगता है? डर जैसी कोई चीज़ नहीं है, डर को मैं बहुत पीछे छोड़ाई, बहुत सालों पहले छोड़ाई। और रही बात धमकियों की, तो मुझे तो ऐसी कोई धमकी किसी ने अभी तक दी नहीं है। अनुराधा, आपको अपने किए पे कभी पछतावा होता है कि अब मुझे गन नहीं थामना है, कुछ भी हो जाए अब कानून के स्तर पर ही, या अपनी जंग जो है वो लीगल तौर पर ही लड़ना है, भली उसमें लंबा वक्त लग जाए लेकिन अब हथियार नहीं उठाना है? देखिए, जो मैंने किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एज ए लेडी मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई, जो कर सकती थी एक आम आदमी, उसने सारा सब किया, और मैं सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करती कि नहीं, मुझे लीगली करना है, इलीगल कुछ नहीं करना है, भले ही मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर या मेरे दुश्मन मुझे मार जाए, मेरे बेटे को या फैमिली को मार जाए, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना हुआ है ना होगा, तो मुझे कोई अफसोस नहीं उस बात का। रही बात थामने की, अब तो अब मेरे हाथ में वेपन नहीं है और ना कोई मैंने गैंग संभाली हुई है। मैंने कहा ना, कुछ सालों से मैंने अपराध में मेरी कोई भी भूमिका नहीं रही है और ना रहेगी। हाँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि अगर कल को मेरे पे अटैक या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स पे अटैक होता है या इस तरह की कोई कोशिश होती, तो सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच करूँगी। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर तो देखिए, बचाव का अधिकार तो जानवर को भी होता है, बचाव तो मैं करूँगी। उस टाइम में मैं ये नहीं सोचूंगी कि वेपन उठाना सही है या गलत है, उस टाइम में मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूँगी, अपना अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का बचाव करूँगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी NIA ने आपसे बहुत लंबी पूछताछ की थी, हम आपके घर भी आए थे यहाँ पर, वो NIA क्या जानना चाह रही थी आपसे? यहाँ पे जब NIA ने रेड की थी तो मैं यहाँ पे मौजूद थी, मेरा घर है तो मैं यहाँ मौजूद रहूँगी। तो उनको क्यूरियोसिटी थी, काफ़ी सारे उनके सवाल थे, नो डाउट मैं राजस्थान और अपने ज़िले की HS रही हूँ, तो उनके सवाल और उनकी पूछताछ अपनी जगह जायज थी। अभी अनुराधा अब क्या कर रही हैं, जो एक गैंगस्टर थी, इनके ऊपर एक गैंगस्टर का ठप्पा लगा हुआ है, आपके ऊपर कई मुकदमे हैं, आपने बोला आप जेल गई हैं, अब वो अनुराधा क्या कर रही हैं लेडी डॉन इस वक्त?
मैं अपनी फैमिली को डील कर रही हूँ, इसके अलावा अपने जो केसेस हैं उनको डील कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड संदीप हैं उनके केसेस को लीगली डील कर रही हूँ, और बस संदीप के बाहर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैं एनजीओ वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कुछ समाज सेवा कुछ इस तरीके की चीज़ें। लॉ की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, मैं LLB कर रही हूँ। लेडी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी के ताल्लुक राजस्थान के बड़े गैंगस्टर आनंदपाल से जोड़े जाते हैं, जिसको लेकर अनुराधा चौधरी ने बड़े खुलासे भी किए हैं। अनुराधा चौधरी ने ये बताया है कि कैसे वो गैंगस्टर आनंदपाल के संपर्क में आई और उनकी गैंग में कैसे शामिल हुई। और इसके साथ ही गैंगस्टर काला जठेरी को लेकर भी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा खुलासा किया। के बारे में आरोप लगते हैं, बताया जाता है कि जितना खुखार आनंदपाल थे, मजबूत थे गैंगस्टर, उतना ही तेज दिमाग आपका चलता था, और ये दोनों जो गठजोड़ थे उससे ही जो आपका गैंग है वो इतना बड़ा नाम बनाया, उसने रुतबा या डर जो था, इस पे क्या कहना है आपका? इस बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ, मुझे क्या पता मेरा जो दिमाग है किस लेवल का है। ये सब चीज़ें मीडिया ने क्रिएट की है, मैंने कभी अपना IQ चेक नहीं करवाया तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। के बारे में ये भी बताया जाता है कि आप अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो चला लेते हैं, क्या शौक है आपको हथियार चलाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कहते हैं। हथियार से कोई आपकी यारी नहीं है? नहीं, कोई यारी नहीं है। जुर्म से यारी बन गई लेकिन मजबूरी बस आपने बताया? हाँ कह सकते हैं यारी बन गई थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आनंदपाल एक कुख्यात गैंगस्टर थे जो मुठभेड़ में मारे गए, आप जब पहली बार उनसे मिले आपके अंदर डर नहीं था? एक सिंपल सी लड़की, नहीं किसी तरीके का डर नहीं था, क्योंकि वो जो डर था वो पुलिस ने निकाल दिया था। मैं इतना परेशान थी और उसके बाद में कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, जिंदगी नहीं बची थी तो फिर डर किस चीज़ का। आपके ऊपर अनुराधा ये भी बताया जाता है कि आप आनंदपाल जब जेल में बंद थे आप उनसे कई बार जेल में मिलने जाती थी, और उसको लेके उस समय के जो पुलिस अधिकारी उन्होंने खत भी लिखे थे बहुत सारे डिपार्टमेंट को। गलत है ये चीज़? गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने खत लिखे थे, मीडिया को अप्रोच करते या फिर CM को अप्रोच करते, और अगर उन्होंने खत लिखे थे तो जेल डिपार्टमेंट DG इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आनंदपाल को भगाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस टाइम में आनंदपाल सिंह की फरारी हुई उस टाइम में मैं जेल के अंदर थी, और उनके एनकाउंटर के 7-8 महीने बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो फिर मेरी भूमिका कैसे हो सकती है? काला जठेड़ी जो इस समय जेल में बंद हैं, एक बड़े गैंगस्टर हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने उन्हें पकड़ा था, फिर आपको भी आम से उन्हें पकड़ा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनसे आपका क्या रिश्ता? अलग अलग चीज़ें आती हैं पब्लिक में। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो मीडिया बार बार ये दिखाती है कि मैं आनंदपाल सिंह की गर्लफ्रेंड प्रेमिका, इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं था। मीडिया को कम से कम ये सोचना चाहिए उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, इस तरीके की चीज़ों को दिखाने से किस तरीके का असर पड़ेगा उन पे, ये गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि काला जठेड़ी और संदीप से मैं एक फरारी के दौरान मिली थी और एक लिंक के ज़रिए मिली थी। तो अभी आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, मैं और संदीप मंदिर में शादी कर चुके हैं। कुछ लीगल इश्यूज की वजह से हम फिलहाल कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही हम लोग 2023 में कोर्ट मैरिज करेंगे। काला जठेड़ी को क्यों आना पड़ा जुर्म की दुनिया में? लॉरेंस बिश्नोई और भी गैंगस्टरों के साथ क्यों हाथ मिलाना पड़ा? उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मीडिया में हैं, तो उनके भी कुछ ऐसे हालात थे जिस वजह से उन्होंने इस तरफ रुख किया। उन्होंने अपने एक फ्रेंड का साथ दिया, साथ देने के लिए, साथ इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया उनके फ्रेंड के साथ में या गांव वालों के साथ में, सिर्फ उसके साथ में उन्होंने न्याय किया है, तो सिर्फ अपने फ्रेंड के प्रोटेक्शन के लिए और कुछ लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बाकी जो चीज़ें मीडिया में हैं वो गलत है। और हाल ही
ही में हुए सीकर गैंग वॉर के आरोप भी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी पर लगे हैं, जिसमें गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। राजू ठेहट की हत्या को लेकर भी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह से राजू ठेहट के बारे में बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहा था और उसके पहले ही इनकाउंट ये हो गया मुठभेड़, क्या अनुराधा भी राजनीतिक जाने की कुछ है? वो आपका राजस्थान में आपका इतना दबदबा था कि भाई चुनाव लड़ना है, पोजीशन है, पावर है। सोचूंगी इस बारे में, अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, गोल्डी बरार की तरफ से एक पोस्ट आई कि गोल्डी बरार के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो कैलिफोर्निया में हाउस अरेस्ट हो गया, लेकिन उसकी तरफ से पोस्ट आती है, फिर एक और शख्स है उसके तरफ से पोस्ट आती है कि भाई हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है। आप काला जठेड़ी का नाम पहले से लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ है जो आपके पति हैं, क्या आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है इस हत्याकांड में? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि संदीप का इसमें कोई रोल नहीं है। जब से संदीप अरेस्ट हुए, मैं अरेस्ट हुई हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी में संदीप का या मेरा कोई रोल नहीं है। और जैसे NIA ने UAPA लगाया है तो ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि वो गलत नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, संदीप का या मेरा किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी या आतंकवाद में न कोई हिस्सा रहा है, न था, न है, न कभी होगा, न कोई रोल है, न कोई कनेक्टिविटी है। तो और रही बात लॉरेंस की, तो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं उसको उतना ही जानती हूँ जितना कि एक आम आदमी जानता है पेपर और मीडिया के जरिए। कभी लॉरेंस बिश्नोई से आप मिली नहीं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है, सलमान खान पे अटेम्प्ट किए 2-3 बार उसको मारने का, सलमान, आपको कभी लॉरेंस बिश्नोई से आप मिली हैं जेल में या कहीं बाहर? ना कभी मैं मिली हूँ और ना कभी मेरी बात हुई है। और मुझे ज़रूरत क्या थी कि मैं उससे मिलूँ या बात करूँ? अगर मुझे कुछ करना था या कुछ भी किया तो मैं खुद सक्षम थी। लेडी डॉन खुद सक्षम है, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई जैसे और गैंगस्टर की जरूरत नहीं है? नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये जो मैं बता रही हूँ वो पुरानी बात है जी। तो न मैंने कभी उससे कोई संपर्क किया है, न कभी मैंने बात की है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि एक आम आदमी मीडिया और न्यूज़पेपर के जरिए जानता है। और उसके अलावा उन्हें जानती हूँ, उन्हें जानने में मेरी कोई दिलचस्पी है। राजू ठेठ ने आपके ऊपर हमला कब कराने की कोशिश की थी, कैसे आपको इनपुट मिले, कुछ वाक्य याद हो अगर आप बताएं? शायद ये बात है 2017 बिटवीन 18, तो उस टाइम में उन्होंने मरवाने की, इस गैंग ने मेरे को कोशिश की थी। मुझे ये सीकर डिपार्टमेंट से पता चला था, उन्होंने मेरे को सावधान किया था कि आप ऐसे खुले में ना घूमें। अनुराधा जी, आपका नाम जो है वो इस हत्याकांड में उछाला जा रहा है मास्टरमाइंड के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। और मीडिया हमेशा मसाला और ये सब लगाने के लिए मेरा नाम उछालती है, गलत कर रही है। ये बताया जा रहा है कि जो राजू ठेठ थे ये कुख्यात गैंगस्टर थे राजस्थान के, और आनंद पाल गैंग से इनकी काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी। आप आनंद पाल गैंग से लंबे वक्त से एसोसिएट रही हैं, आखिर ये दुश्मनी की वजह क्या थी कि इतनी पुरानी दुश्मनी थी और अब ये है कि अब हत्याकांड को अंजाम दिया गया? आपसी रंजिश थी बिजनेस को लेके, और ये जिसने भी किया है नो डाउट बिजनेस और गैंगवार को लेके, वर्चस्व को लेके किया है इन्होंने। ये वर्चस्व की जंग में मर्डर हुआ है? जी बिल्कुल।
वक्त हम युद्ध की बात करेंगे। रूस की लगातार गोलीबारी ने यूक्रेन की जमीन को छलनी कर दिया। पिछले 9 महीने का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार हो रहे मिसाइल अटैक के बाद अब रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं और अमेरिका ने दावा किया है कि रूस हर रोज 20,000 गोला बारूद का इस्तेमाल